नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी है। चौथे दिन धीरज साहू के फर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बोलांगीर के सुदापाड़ा में स्थित ठिकानों से कैसे भरे 20 बैग दोस्तों बरामद किए हैं। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैग को बालांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। पिछले 3 दिनों में करीब 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है। चौथे दिन भी गिनती जारी है। इसका मतलब है कि अब 400 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि बरामदगी के बाद बोलांगीर में SBI मुख्य शाखा में जब्त नोटों से भरी 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग नोटों की गिनती हो रही थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आयकर की टीम को सहयोग करने के लिए हैदराबाद से भी आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बोलांगीर पहुंची। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी हैं। यह टीम कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेजों के मिलने की भी संभावना जताई गई है। नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों के 50 कर्मियों को लगाया गया है और लगभग 40 से ज़्यादा मशीनें नोट गिनने का काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, नोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब इनके घर से भी भारी मात्रा में पैसा जब्त किया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही